अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और आज नतीजा आपके सामने है, आपके सामने लड़ाई हम तीन चार वर्षों से रोड पे लड़ रहे हैं। हमारे पेयर में छाले हो गए थे, आप लोगों ने मीडिया में छापा था, जब हम दुकान जा रहे थे आप लोगों ने छापा था कि हमारे पेयर में छाले हो गए थे, उसको भी दर्शाया था, क्योंकि हम सत्य की राह पे चले थे, लाना था, इसलिए हमारे छाले हो गए थे। लेकिन जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके छाले हुए ना हुए, लेकिन इस योजना इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, सीधी सीधी की देवास नर्मदा देवास उपद्रव सिंचाई योजना बनी, उसमें हमने पूरे 244 गांव हाटपिपलिया विधानसभा के लिए थे, 63 गांव सोनकच्छ विधानसभा के लिए थे, 117 गांव खातेगांव विधानसभा के लिए थे। सरकार बदलने के बाद फिर उपचुनाव के पहले हमारा लगातार हमने कहा हमारी डीपीआर को क्यों आपने थमले बस्ते में डाल दिया, तो फिर उन्होंने नाम बदला और वही डीपीआर में जो हमारे गांव थे, मनोज चौधरी जी ने भी विधानसभा में उठाया, बागली विधायक जी ने भी विधानसभा में उठाया और इनको वहाँ विधानसभा में मिला, उसका आपके जो उनको भी पानी मंत्री जी विभागीय मंत्री ने कहा कि हमको पानी देने का कोई प्रावधान नहीं, तो कैसे मान लें कि माननीय हाटपिपलिया विधायक या देवास विधायक या बागली विधायक ने कोई प्रयत्न किया, जब उनके खुद के सरकार में प्रयत्न उठाना पड़ा के माध्यम से और उनके विभाग के माध्यम से कि हमको कोई देवास जिले का प्रावधान, फिर कैसे आप कह रहे हैं भाई सरकार आपकी है, हमारे दबाव में ये योजना नियत नीति ठीक थी, हमने 15 जो पानी का काम कमलनाथ जी फेस टू का दोनों का काम जो तो प्रस्तुत करे ना जिन्होंने प्रमाण प्रस्तुत इस योजना जवाहर चौक माननीय दूध का पानी एक और सब लोग वहाँ पहले पे उस तो उन्होंने कहा था कि कर रहे इन्होंने बहुत देवास में बैठे पहले मंजूर करा दी, तो मैंने तो सर्वे फिर उन्हीं माननीय विधायक जी को विधानसभा आना पड़ा और मैंने सत्यता प्रस्तुत की, मोदी जी ने विधायक जी को सत्यता देवास देने का, फिर महिला जी विधानसभा जी के सामने करुणा मैं माननीय विधायक जी ने गांव तो जोड़ो, उन्होंने कहा कि महिला दिवस से हम विधायक जी का सम्मान करते हैं, सब विधानसभा की कार्रवाई एक योजना सज्जन वर्मा जी लाए थे जो नर्मदा उसका पानी आगे बढ़ा, इसमें ताराना गया सहारनपुर करणा जिले गए, एक योजना हाटपिपलिया माइक्रो सिंचाई योजना थी जो हाटपिपलिया तक आई, उसको बाद में उपचुनाव के समय तुलसी सिलावट समेत लेकर एक वास के लिए करने का जो कांग्रेस की योजना है अब उसकी राशि आवंटित हो गई और वो योजना मूर्त रूप लेगी और मूर्त रूप लेने के पश्चात निवास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी मिले से धरती मिलेगी और मिलेंगे, हम इसी के माध्यम से आप ही के माध्यम से और चीज आगे चलने के पीछे के पानी उपयोग के पानी की भी बात करेंगे, देवास में जो वर्तमान में पानी आ रहा है वो उज्जैन सिकरा नर्मदा सिकरा उज्जैन।
क्या हमारे तो नहीं, सरकार तो आ रही और हम पानी का पेयजल के लिए स्थायी अनुबंध करेंगे। ये दूसरी बात है, अगला आपका कदम क्या होगा? हमारा कदम ये होगा, हम सोनकर विधानसभा के पेसर गांव जो मुख्यमंत्री जी भी बोल के गए है ना, और देवास को पेयजल के लिए स्थायी अनुबंध हमारे पास रिकॉर्ड में है, नगर निगम ने हमको लिख के दे दिया है, कमिश्नर जी के हस्ताक्षर से कि कोई हमारा स्थायी अनुबंध नहीं है नर्मदा का। फिर नर्मदा नायक कैसे, हमारा तो कहने का मतलब सीधा है कि भाई आप खाली ट्रेन से पानी लाके कोई नर्मदा नायक नहीं बन सकता। सरकार ने कल इस योजना को परियोजना को जो रिवाइज किया उसमें उसकी लागत बढ़ाई गई राशि बढ़ेगी ना, तो जानकारी है आपको कि वो क्या गांव जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं उसी की लागत बढ़ी हुई 462। नर्मदा घाटी योजना से जल संसाधन विभाग में आगे पे और लिए जो तहसील स्तर पर ट्रामा सेंटर होता है कई जिलों में, हमारे पास ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बनी है, करोड़ों रुपए हमने लगा दिए, किसी जनप्रतिनिधि ने अपने नागरिकों की पीड़ा या खुशहाली के लिए कोई काम किया हो आगे होकर तो वो भी माननीय विधायक जी बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें माननीय विधायक जी से रोज एक प्रश्न पूछा जाएगा सार्वजनिक रूप से कि ये समस्या हमको वर्षों पहले मिलना थी, ये मूलभूत सुविधा हमको क्यों नहीं मिली। मान लीजिए इसमें होती है कि नहीं, आज तक 20 साल हो गए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं, सारा जमाना जानता है ये बात, व्यक्तिगत दृष्टिकोण सारा जमाना जानता है ये बात। पुष्टि होती तो फिर कांग्रेस अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करती, तो दिखावे के लिए खड़ा करती है। हर कांग्रेस के कैंडिडेट ने, चाहे वो हारून भाई हो, रेखा वर्मा जी हो, या मनोज राजानी महापौर जी का चुनाव हो, या जयसिंह जी विधानसभा लड़ो, सब ने अपना अपना चुनाव दमदारी से लड़ा है, क्षेत्र की जनता तक गए हैं, पूरा पुष्टि वाली कोई बात। फरवरी 2019 को उस समय के मंत्री सुरेन हनी बघेल ACS गोपाल रेड्डी जी को पत्र लिखा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कि देवास छूट गया है, दूरभाष पर चर्चा की, DPR तैयार हुई, उसके बाद माननीय विधायक जी ने अपने आवास पर बुलाकर पत्रकार बंधुओं को कहा कि ये लोग तो नाटक कर रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति बता रहे थे दोनों। आपने खुला चैलेंज भी दिया है जवाहर चौक का, क्या है चैलेंज आपका? मेरा चैलेंज ये है कि हमारे पहले सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने कोई देवास विधानसभा, हार्दिक्या विधानसभा को जोड़ने के लिए कोई प्रयास किया हो तो उस पत्र को जरूर दिखाएं, कब कब क्या उन्होंने प्रयास किया ये दिखाएं, अपने वो बयान भी बताएं जो उन्होंने कहा है कि ये तो लोग नाटक कर रहे हैं, मैंने पहले ही मंजूर करा ली, सर्वे करा लिया, विधानसभा में जो रिकॉर्ड दर्ज है वो भी बताएं, जनता के सामने सत्यता आना चाहिए। मैं पहले भी उनको बोल चुका हूँ, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मुझे देवास की जनता जो कि देवास इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है पर 3000 किलोमीटर दूर से बसे ऐसा दिखता है, उनकी पीड़ा है, हजारों बच्चे बस में सुबह इंदौर जाते हैं। हर व्यक्ति, यदि मैं आपसे, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से हंस के बोल लूँ या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यक्रम में यदि मेरी उपस्थिति होती है तो ये मेरा व्यवहार है, नूरा कुश्ती नहीं है। चुनाव जब भी लड़ा जाता है हार जीत के लिए लड़ा जाता है और दमदारी से लड़ा जाता है, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, आप पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का, हर व्यक्ति चुनाव दमदारी से लड़ता है, नूरा कुश्ती के तहत भी लड़ता है। बहुत कैसी परियोजना में देवास जिले का कोई क्षेत्र सिंचाई हेतु प्रस्तावित नहीं है, विधायक ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप लोगों को बोला था, नाटक सामने बोला था, हम तो करवा चुके हैं, ये तो खाली होड़ में लगे हुए, जबकि वहाँ के तो राज्य मंत्री खुद विधानसभा में लेकिन जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की थी, जनता का समर्थन मिला, आप लोगों ने सब देखा है, और आने वाली जनता के समर्थन से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पुनः इस जो राज्य 50% के कमीशन पे चल रहा है इसमें रोक लगाएंगे। अजय त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल ये है कि कांग्रेस यू तो दिखती है बढ़िया ठीक है, लेकिन एक बात, 244 गांव हार्दिक्या विधानसभा के लिए थे, 63 गांव सोनकर विधानसभा के लिए थे, 117 गांव खातेगांव विधानसभा के लिए थे, सरकार बदलने के बाद फिर उपचुनाव के पहले हमारा लगातार, हमने कहा हमारी DPR को क्यों, जो नर्मदा के मंत्री भारत सिंह जी कुशवाहा ने जारी करा था और उनको विधानसभा में उठाए गए क्वेश्चन का जवाब दिया था, वो पत्र मेरे पास है, माननीय राज्य मंत्री जी का ये वक्तव्य जो है, चुनाव लड़ते हैं नहीं सब जानते हैं, ये देखिए ये हाँ सब जानते हैं, बताओ आप इसका जवाब दो, आपका व्यक्तिगत नहीं आप इतना बड़ा साल रहे के कमलनाथ जी की सरकार थी कि हमारे पास अतिरिक्त पानी बच रहा था तो हमने तराना के गांव जोड़े, गाँव नहीं बढ़े सिर्फ और सिर्फ योजना में डीले होने की वजह से बजट बढ़ाना पड़ा, तो आप मुद्दा क्यों नहीं उठा।
प्रयास से नर्मदा सिंचाई परियोजना, नर्मदा देवास उद्गम परियोजना की जो डीपीआर बनी थी, उसके बाद सरकार बदलने पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगातार सबके प्रयास करने के बाद वर्तमान समय में जो मंजूरी पहले प्रशासकीय स्वीकृति हम सबके प्रयास से भोपाल तक पद यात्रा और विभिन्न तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिलना, जिलाधीश महोदय के माध्यम से मिलना, माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से पत्र व्यवहार करना शासन को, तो उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी। परंतु लागत अब बढ़ चुकी है। हमारी जो नर्मदा घाटी विभाग के माध्यम से जो कार्य होना था वो जल संसाधन विभाग को दे दिया गया है। कल 26 तारीख को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने फिर से इसकी लागत बढ़ने के बाद नर्मदा प्रशासकीय स्वीकृति दी है। अभी 6000 करोड़ की योजना हो चुकी है। और प्रेसवार्ता करी और प्रेसवार्ता में आपने भाजपा विधायक पर झूठा छिलने की खास बात की। बिल्कुल, उन्होंने कोई प्रयास किया तो सार्वजनिक करें ना पत्र व्यवहार को। या उन्होंने देवास के लिए कुछ, नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए कोई भी प्रयास किया हो, या कोई भी अतिरिक्त बजट किसी भी काम का हो देवास में लाए हो, तो बराबर उन्हें बताना चाहिए। हम बराबर उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। आपका ये कहना है कि ये मतलब कुछ गलत बयानी हो रही है क्या? हाँ, श्रेय लेने की बात हो रही है। हमने नर्मदा के पोस्टर लगाए थे बधाई देने के लिए, नजूल पे की समस्या के लिए समर्थन मांगा था, तो 24 घंटे में उन्होंने, हमने जबकि भुगतान करके लगाए थे संबंधित एजेंसी को, तानाशाही और दादागिरी करके निगम प्रशासन से उन्होंने हमारे पोस्टर भी निकला दिए। पर जिन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है, भोपाल तक पदयात्रा की है, विभिन्न तरीके से अपना बहुमूल्य जीवन का समय दिया है निस्वार्थ भाव से, वो जनता के और किसान बंधुओं के दिल में जगह बना चुके हैं। वो दिल में कैसे निकालेंगे माननीय विधायक जी, अब ये 2023 के चुनाव में पता चलेगा। चूंकि आपने चैलेंज भी किया खुले मंच पे आ जाए। हाँ, किस तरह का खुला मंच है? खुला मंच ये कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें, बहुत सारे विधायक प्रतिनिधि घूम रहे हैं, तो प्रतिनिधियों को भेज दें और बताएं कि मैंने ये प्रयास किया है। मेरा खुला उनसे निवेदन है, सम्मानीय है, उम्र में बड़े हैं, हजारों लोगों ने उनको, लाखों लोगों ने विजय बनाया है, 8 बार उस परिवार को जनता ने सम्मानित तरीके से चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर हमारा तो आपसे एक ही निवेदन है अंत में कि जो एक जिला अस्पताल में छोटा सा ट्रामा सेंटर बात नहीं बना सकते, तो जब ये 6000 करोड़ की योजना कैसे स्वीकृत करा लेंगे? इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं ऐसे झूठे श्रेय की निंदा करता हूँ जिस प्रकार का उन्होंने दुष्प्रचार किया। वो इतने जो फ्लेक्स लगे थे, योजना का फ्लेक्स था ही नहीं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया ही नहीं है तो वो कैसे याद रहेगा, कैसे फ्लेक्स लगाएंगे? माननीय पत्रकार श्री सौरभ सचान जी ने पूछा भी था कि आपने नर्मदा सिंचाई परियोजना का क्यों नहीं लगाया इसमें पोस्टर, तो पोस्टर था ही नहीं नर्मदा सिंचाई परियोजना। ठीक है।